26 सितंबर को होगा अखिलेश के मंत्रिमंडल का विस्तार। गायत्री प्रजापति और जियाउद्दीन रिजवी लेंगे शपथ। राज किशोर सिंह का नाम शामिल नहीं। उरी हमले पर फिर पाकिस्तान ने दिया बेतुका बयान। आंतरिक मंत्री निसार अली खान ने कहा, भारत बिना ठोस सबूत हमें दे रहा है दोष। यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान को सख्त नसीहत। कहा, अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान जुर्म नहीं रोकता तो उस पर लगाए जा सकते हैं प्रतिबंध। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी MNS ने दिया पाक कलाकारों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। फिल्म प्रोड्यूसरों को भी चेताया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बारिश का कहर, अब तक 13 लोगों की मौत। मुंबई में भी बारिश बनी परेशानी का सबब, मदद के लिए बुलाई गई आर्मी। उरी हमले के बाद पहली बार जनता के सामने बोलेंगे PM मोदी। केरल के कोझिकोड में BJP की रैली, BJP के तमाम आला नेता हैं मौजूद। लखनऊ में रोड शो के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा मोदी पर निशाना। कहा, गरीब मस्त है और मोदी जी मस्त है, वो सिर्फ सेल्फी लेना जानते हैं। BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों की बहाली की संभावना से किया पूरी तरह इनकार। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में है भारत और पाक का मुकाबला। कानपुर टेस्ट में भारत के 318 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की सदी शुरुआत। एक विकेट खोकर 150 के पार न्यूजीलैंड। विलियमसन और लेथम की 50। फिल्म निर्माता वेद्रीमारन की तमिल फिल्म विसारा नाई ऑस्कर 2017 के लिए नामित। भारत की ओर से विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में चुना गया।